नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि भी आपने थंबनेल के अंदर देखा कि आज की इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी अंडर 30 लाख के अंदर पांच हाउस हैं फॉर सेल के लिए, प्लॉट वगैरह नहीं है। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये हाउस रहेंगे हमारे सेल के लिए, तो और ये कोई फेक वगैरह नहीं है, पूरे जेन्युइन आपको मिलेंगे। आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो क्या मैं दे ही दूंगा लिंक, तो आप वहां पे जाके आगे अपनी बात कर सकते हो। तो यार मेरे को अंडर 30 लाख के अंदर 5 मकान मिले हैं बेचने के लिए, यानी सेल के लिए। कुछ तो बिल्कुल ही नए हैं, बिल्कुल फ्रेश, यानी कोई आया नहीं हुआ, जस्ट बनाए हैं, 1 month पुराना हुआ है कि अभी काम खत्म हुआ, उसी को सेल पे डाल दिया। तो वो मकान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आई होप आप सभी ये वीडियो पूरी देखेंगे, और काफ़ी दिन हो गए थे यार प्रॉपर्टी के ऊपर सीरीज आई ही नहीं, तो अभी से मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर या एक दिन छोड़ के एक दिन प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो डालता रहूं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें। तो चलिए फिर, अभी हमारे 1K भी होने वाले यार जल्दी से, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर 1K कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार चलिए फिर अभी बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे हाउस नंबर फर्स्ट के और इनकी मैं बता देता हूँ, जो भी लिंक वगैरह होगी, लिंक तो एक ही ऐप का ही है, मैं OLX, आपने काफ़ी सारों ने सुना होगा OLX, वहाँ से मैंने देखी है। तो अब आप क्लिक करोगे वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ पे अपने सेलर से चैट वगैरह कर सकते हो, जो भी ओनर हाउस है तो आप आके बात कर सकते हो। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, तो प्राइस की बात करते हैं। प्राइस आता है इसका 30 लाख रुपीज़, हाँ यही है अपना सबसे, यानी 30 लाख का। साइज की बात करूँ मैं, साइज इसका है 75 गज का साइज रहेगा इसका। स्टेटस की बात करूँ तो न्यू रहेगा, और 3 दिन पहले ये पोस्ट डाली है, और लोकेशन हमारी ये आज़ाद नगर के अंदर रहेगा। अब इसके अंदर यार थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात करते हैं हाउस की, कैसा क्या है। तो टाइप इसका हाउस विला रहेगा, हमारा बेडरूम है वो 4 रहेंगे, बाथरूम हमारे 2 रहेंगे, और फर्निश ये हमारा फर्निश मिलेगा। कंस्ट्रक्शन स्टेटस ये हमारा रेडी टू मूव है, अपना कोई दिक्कत है नहीं, लिस्टेड बाय ओनर ने ही लिस्ट किया है। टोटल फ्लोर 2 रहेंगे, फेसिंग इसकी नॉर्थ की ओर रहेगी। अब यार इसमें एक आपको फ़ायदा मिल जाता है कि जो ओनर लिस्ट करता है ना, तो आपको जैसे एजेंट वगैरह उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बीच में कमीशन अपना लेते हैं 1% जितना भी उनका होता है, 1.5% जो वेरी करता है एजेंट के हिसाब से। तो आपको यार ये काफ़ी अच्छी सही यहाँ पे मिल जाती है, ओनर ने ही लिस्ट किया है। अब थोड़ी देर बात करते हैं आगे डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में यही है यार, यहाँ पे 75 गज का मकान रहेगा, 1 month ओल्ड ओनली रहेगा, तो मना ये नया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था। तो यार ये था अपना फर्स्ट नंबर 1 प्लॉट। अब सेकंड की बात प्लॉट कर रहा हूँ सॉरी हाउस, अब सेकंड की बात करते हैं। इसका प्राइस रहने वाला है हमारा 21 लाख रुपीज़। लोकेशन की बात करूँ मैं तो इसके अंदर ही हमारा रहने वाला है, मॉडल टाउन के अंदर। और अब डिटेल्स के अंदर बात करते हैं, यार कईयों में ना साइज वगैरह तो दे रखा है, लेकिन थोड़ा अटपटा सा दे रखा है, तो आई होप आप अपने हिसाब से कर लोगे। तो डिटेल के अंदर बात करते हैं, हाँ ये टाइप हमारा हाउस विला रहने वाला है। बेडरूम की बात करूँ तो 2 बेडरूम रहेंगे, बाथरूम की 2 बाथरूम। फर्निशिंग की बात करूँ तो ये हमारा सेमी फर्निश्ड रहने वाला है, और कंस्ट्रक्शन स्टेटस ये न्यू रहेगा, और लिस्टेड बाय ये भी ओनर ने किया है, मैंने बता दिया क्या फ़ायदा है ओनर को लिस्ट करने से। और सुपर बिल्डअप एरिया ये 315 फीट स्क्वायर के हिसाब से रहने वाले, टोटल फ्लोर 2 रहेंगे इसके अंदर। फेसिंग की बात करें हम, वेस्ट फेसिंग इसकी रहेगी। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो मैं, ये अपना न्यू हाउस मॉडल टाउन ब्लॉक सी के अंदर रहने वाला है, और हाँ इसके अंदर रजिस्ट्री नहीं है इसकी, इसका है कार्ड प्लॉट है। तो अगर आपको नहीं पता कार्ड प्लॉट होता है क्या है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि कार्ड वाला प्लॉट क्या होता है। तो आई होप आप वो वीडियो देख लोगे, तो ये अपना कार्ड वाला प्लॉट रहेगा। तो सेकेंड का था ये, इसका प्राइस था 21 लाख। अब बात करते हैं हमारा थर्ड हाउस, बार बार प्लॉट का नाम आ रहा है। प्राइस की बात करूँ मैं, इसका रहने वाला हमारा 11 लाख रुपए रहने वाला है। लोकेशन की बात करूँ तो शिव कॉलोनी हिसार के अंदर। अब थोड़ी डिटेल्स के अंदर बात करते हैं, इसकी टाइप हाउस विला रहने वाला है इसका। बेडरूम की बात करूँ तो 4 बेडरूम रहने वाले, बाथरूम की बात करूँ 2। फर्निश हमारा ये अंडर फर्निश रहेगा। कंस्ट्रक्शन स्टेटस रेडी टू मूव रहेगा, लिस्टेड बाय ये ओनर ने किया। फेसिंग इसका हमारा ईस्ट की ओर रहेगा, टोटल फ्लोर 2 फ्लोर रहेंगे इसके अंदर। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं इसका। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे 64 गज एवरेज हाउस ये हमारा रहने वाला है फैमिली के लिए। तो ये था अपना थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ हमारे। प्राइस की बात करूँ मैं तो इसका रहने वाला है 28 लाख रुपए प्राइस रहने वाला है। लोकेशन सूर्य नगर में ये रहेगा, और डिटेल्स के अंदर अभी चलते हैं।
टाइप हमारा हाउस एंड विला रहने वाला है। बेडरूम की बात करूँ 4, बाथरूम के हमारी 2, और फर्निश्ड की बात करें तो अनफर्निश्ड ये हमारा रहने वाला। कंस्ट्रक्शन स्टेटस रेडी टू मूव है ये हमारा। लिस्टेड बाय ओनर ने ही ये लिस्ट किया है। सुपर बिल्डअप एरिया 1141, टोटल फ्लोर 2 रहेंगे हमारे, फेसिंग हमारी रहेगी ईस्ट की ओर। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन की और बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में बताऊँ तो वेल मेंटेन हाउस रहने वाला है, स्ट्रीट नंबर 22 के अंदर, सूर्यनगर के अंदर। तो ये अपना डिस्क्रिप्शन था। अब बात करते हैं हमारा फाइनल एंड लास्ट हमारा जाता है प्राइस, जो फिर से बड़ा है। इसका प्राइस हमारा 19 लाख रुपए है, और साइज की बात करूँ तो 53 गज के रहने वाला है, विद रजिस्ट्री रहने वाली है इसकी। लोकेशन की बात करूँ तो हमारे शिवनगर के अंदर रहने वाली है, लेकिन ये शिवनगर के आसपास है, राजीव नगर उसके अंदर है, तो आगे मैं बताऊँगा आपको। अब डिटेल्स के अंदर बात करते हैं इसकी। तो डिटेल्स के अंदर मैं बात करता हूँ, टाइप हमारा हाउस एंड विला रहने वाला है, और बेडरूम की बात करूँ तो 2 बेडरूम, बाथरूम की बात करूँ तो 1 बाथरूम मिलेगा। फर्निशिंग की बात करूँ फर्निश मिलेगा। कंस्ट्रक्शन स्टेटस रेडी टू मूव मिलेगा आपको। लिस्टेड बाय ओनर की बात करूँ, ओनर लिस्ट किसने किया था, ये ओनर का किया हुआ लिस्ट है। सुपर बिल्डअप एरिया 53 रहने वाला है, कारपेट एरिया 53 गज का है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ मैं तो डिस्क्रिप्शन में 53 गज हाउस इन राजीव नगर नियर शिवनगर, वेल फर्निश्ड। तो यार ये अपना जो शिवनगर है उसके अपने, हाँ शिवनगर है ये, उसके आसपास राजीव नगर उसके अंदर रहने वाला है ये। तो इसका प्राइस था हमारा 19 लाख रुपए। तो यार ये टोटल थे हमारे 5 प्लॉट अंडर 30 लाख के अंदर। आई होप आप सभी को अच्छे लगेंगे। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो तो आप सिंपली कमेंट कर देना, ये मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। किसी के ऊपर हो, स्कूल आपको देखना हो, कॉलेज देखना हो, और कुछ देखना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो मैं आप सभी की हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अभी कुछ कमेंट आए थे कि यार आप कमेंट वगैरह ना दिया करो, इससे ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो मैं थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किया था, नाम वगैरह याद नहीं आ रहा मेरे को, तो अभी से मैं ये ट्राई नहीं करूँगा। तो अभी पूरी फुल टू फुल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।